हीरो और हीरोइन बना के पेश किया जा रहा था, कि जो बेड़ा गर्क हमारे ड्रामों ने भी कर दिया हुआ है, कि इस तरह की स्टोरीज में लड़के और लड़की को एक अच्छा किरदार के तौर पे दिखाया जा रहा है। कनाडा की लेनी होती है ना ये इस तरह की पॉलिटिकल असाइलम कनाडा या यूके में, यहाँ पे मैं आपको हजारों लोग दिखा सकता हूँ जो मुसलमान से मर्जई होकर मांगे, जबरदस्ती रिटेन नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से अपने काम के साथ है, वो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। सुनहरा माह यासिर शामी ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आप हब से भिजवा का मतलब जानती हैं, तो उनका ये कहने का मतलब था कि अगर पंखा बंद करके किसी को कमरे में बिठा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि वो हब से भिजवा में रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 5 स्टार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल एक इशू को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। रमज़ान मुबारक में एक बच्ची कराची से लापता होती है, दुआ ज़ारा उसका नाम बताया जाता है, काज़मी सादात हैं। जैसे ही वो बच्ची लापता होती है फौरी तौर के ऊपर सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो उनके पेरेंट्स की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस हवाले से हमने ये देखा कि एक टीवी चैनल की रमज़ान नशरियात में भी वो जाते हैं और वहाँ पर ये अपील करते हुए नज़र आते हैं कि हमारी बच्ची लापता होगी, इस हवाले से हमारी कोई भी मदद नहीं की जा रही, ना ही ऐलानात किए जा रहे हैं और ना ही पुलिस इसमें कोई तावन कर रही है। लेकिन जैसे ही ये मसला सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उठाया जाता है उसके फ़ौरन बाद हम ये देखते हैं कि हर तरफ से बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि बच्ची 51 दिन कहाँ रही? 51 दिन बाद वो बच्ची अगर मीडिया के सामने आती है तो क्या मोहब्बत की शादियों में इतना गैप क्यों लिया जाता है? एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर वो उनकी मोहब्बत की शादी थी और जैसे कि बच्ची ने बताया कि मैं लड़के को पसंद करती थी और हमारी दोस्ती एक पबजी गेम के ज़रिए हुई थी और उस गेम के ज़रिए हमारी एक दूसरे से दोस्ती होगी और मैंने उसको पसंद करना शुरू कर दी और जैसे ही मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ तो मेरे माँ बाप ने बजाय इसके कि मेरी बात को सुनते मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जिसके नतीजे में मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या वो बच्ची कराची से लाहौर तक जिसने अकेले सफ़र किया ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? सोशल मीडिया पर सारफीन किस तरह के बहुत सारे सवालात हैं कि ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ, क्या वो बच्ची जिसके पास पैसे भी मौजूद नहीं थे वो कौन सा टैक्सी ड्राइवर था कि जिसने बच्ची को बिना पैसों के कराची से लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी तक बाहिफाजत पहुँचाया? फिर उस लड़की ने अपने ही एक बयान में खुद ये कह दिया कि मैं उस लड़के से पहले नहीं मिली थी, मेरी पहली मुलाकात ही पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आकर हुई। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या जिस लड़के को वो जानती नहीं थी उसकी खातिर उसने घर छोड़ दिया? फिर उसके बाद ये भी सवाल बनता है कि वो केस जो पहले सेशन कोर्ट में लड़ा जा रहा था, फिर वो हाई कोर्ट लाया गया, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट फॉरवर्ड किया गया और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा जो हैं वो खुद बजाते खुद इसके अंदर इन्वॉल्व नज़र आई और हमने ये भी देखा कि तहकीकती रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक पुलिस अफसरान एक अफसर को जो कि उसमें तावन नहीं कर रही थी उसको डिसमिस भी करवाया। इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, बहुत सारे सवालात भी उठाए गए हैं। मैं आज कोशिश ये करूँगी अपने प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से अरमगान गोंदल साहब, उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से कानून क्या कहता है, इस्लामिक लॉ क्या कहता है और हमारा मुल्क का कानून क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा गोंदल साहब, हमने ये देखा कि ये जो अभी मोहब्बत के नाम पर शादी की गई है ये कोई ना पहली शादी है और ना ये कोई आखिरी शादी है, इससे पहले भी कई मोहब्बत की शादियां हुई हैं और आप तो खुद एक लॉयर हैं, आपको मालूम है कि आए दिन अदालतों में इस तरह की जो है वो रजिस्टर्ड मैरिजेस होती रहती हैं, तो इस तरह की मैरिज के हवाले से पहले कानून क्या कहता है, मेरे नाज़रीन को ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूँ कि एक बात की मुझे आज तक समझ नहीं आ रही और ये वाकई एक मुल्क का अलमिया है कि हमारा जो माशरती सिस्टम है, जो आपका सोशल सिस्टम है और जो आपका रिलीजियस सिस्टम है ये और बात करता है, आपका लिटरेचर और बात करता है और कला और बात करता है। मसलन मोहब्बत की शादी जो होती है, जो आजकल कोर्ट मैरिज है, इसको आपका लिटरेचर भी जो है वो इसको बड़ा अच्छा समझता है। हीर रांझा देख लें, शशि पुन्नू देख लें, इस तरह की जितनी भी आपने किससे कहानियाँ सुन रखी हैं आपके लिटरेचर इसको अप्रिशिएट करते हैं, जबकि आपका मुआशरा इसको ना कल तस्लीम करता था ना आज तस्लीम करता है। इस मुआशरे में आज भी जो लड़की मोहब्बत की शादी करती है वो एक विलन की नज़र से देखी जाती है, बल्कि वो लड़का भी विलन ही समझा, वो लड़का भी विलन ही समझा जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी मुनाफ़िकत है, इस पर तो मैं मतलब आपको क्लियर होना चाहिए ना, या तो इसको लिटरेचर समेत हर चीज़ को गलत कहें या फिर सबको तस्लीम करें। ये नहीं होता कि जहाँ पे आपके मफादात हो वहाँ पे ये ठीक हो जाए, जहाँ पे आपके मफादात ना हो, आपको किसी एनजीओ से पैसे मिल रहे हो या आपका कोई और इख्तलाफ हो तो ये जी
गलत हो जाए। कानूनी तौर पे पाकिस्तान का कानून जो है वो इस तरह की शादी के हवाले से क्या कहता है? आप एक वकील हैं, पंजाब का कानून इस हवाले से क्या कहता है कि लड़की की और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए कि वो शादी कर सकते हैं? और इस हवाले से सिंध का कानून क्या कहता है कि लड़का और लड़की किस उम्र के होंगे तो वह शादी कर सकते हैं? इसमें जो जनरल एक लॉ है जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है वो तो ये है कि जब आप मेजर हो जाएं, मेजर से मुराद जब आप अपनी प्यूबर्टी की एज पे पहुंच जाएं, आप बालिग हो जाएं, वो है 18 साल। लेकिन गोंदे साहब सॉरी मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, सॉरी आपने कहा बलूगत तक, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बलूगत की अगर बात की जाती है तो अगर इस वक्त रेशो देखी जाए तो 11 से 12 साल की बच्ची जो है वो इस एज तक पहुंच जाती है कि वो बलूगत तक आ जाती है। जिस बलूगत की आप बात कर रही हैं मेडिकली आप ठीक बात कर रही हैं, लेकिन जब आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो उसमें सिर्फ ये एक पहलू नहीं होता, उसमें बहुत सारे होते हैं कि इसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये अपना अच्छा बुरा समझ सकता है बच्चा, और इसमें दीकर ये इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी सारी चीज़ें उसमें बलूगत में काउंट होती हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ काउंट नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी मैं आपसे अपनी बात कंटिन्यू करूँगा के जो आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का, उसमें बाद में 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई, तरमीम की गई, उसके मुताबिक जो लड़का है उसकी एज है 18 साल जबकि लड़की की एज 16 साल है। सही, ये ओवरऑल पंजाब में भी चल रहा है और पाकिस्तान के मोस्टली जो एरियाज उनमें चल रहा है, जबकि सिंध में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उन्होंने 2013 में यही सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से एक उन्होंने बिल पास किया, एक कानून बनाया जिसमें उन्होंने लड़का हो या लड़की हो दोनों की एज जो है वो स्पेसिफिक कर दी 18 साल। सही, जिसकी वजह से वो आजकल कहा जा रहा है कि सिंध में और लॉ चल रहा है, पंजाब में और कानून चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हम ये देखते हैं कि दुआ ज़हरा जो का जो केस है, रमज़ानुल मुबारक में एक बच्ची है घर से लापता हो जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इस इशू को हाइप दी जाती है, फिर इसके वालदैन जो हैं वो किसी निजी टीवी चैनल की नशरियात में भी जाते हैं, रमज़ान नशरियात में भी बाकायदा लोगों से अपील ये की जाती है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मोहब्बत की शादी जैसे आपने एक्सप्लेन कर दी और ख़ुद इस्लाम भी ये कहता है, कुरान भी ये कहता है कि आप अपनी बेटी की मर्ज़ी पूछे बगैर उससे शादी नहीं कर सकते, दोनों बच्चों का राज़ी होना ये शर्त रखी गई है और मुल्क का कानून भी यही कहता है। मोहब्बत की शादी ऐसे पहले भी देखी जा चुकी है, एक निमरा काजमी नामी लड़की का भी केस हमने मीडिया पे देखा था, लेकिन हमने ये देखा कि उसने फिल फॉर एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी जिसमें वो दुल्हन बनी हुई और बड़ा मुस्कुरा के ये कह रही है कि मैंने शादी कर ली है, मैं अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें अब कबूल कर लें। इस केस के अंदर एक चीज़ बड़ी डिफरेंट नज़र आती है कि एक बच्ची का कराची से लाहौर तक पहुँचना जो कि सबसे बड़ा सवाल बन चुका हुआ है, अकेली बच्ची जिसके पास पैसे भी नहीं हैं वो कैसे आ सकती है? गोंदल साहब, आप अल्लाह को हाजिर नासिर जान के एक बात बताइएगा, अगर आप अकेले ट्रैवल करना चाहें क्या बिना पैसों के आपको कोई ऐसा ड्राइवर मिलेगा कि जो आपको इतने लंबे सफ़र पर लेकर जाए? सेकेंडली यहाँ पर यह सवाल बनता है कि 51 डेज तक, 51 दिन तक उस बच्ची को क्यों इतना खुफिया रखा गया और क्यों पुलिस को मिसगाइड करने के लिए पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाए जाते रहे जिसमें देखा कि 2 सूबों की पुलिस इन्वॉल्व होकर उसको ढूंढ रही थी, क्या कहेंगे आप? मुझे तो 2-3 बातों में, एक तो आप इसकी एथिकली बात करती हैं, एक लीगली करती हैं। अब मैं एक एक करके तो वो लेके चल नहीं सकता, जनरली इसको कोशिश करता हूँ इसमें सारे एरियाज को कवर करने की। पहली बात जो आपने की, तो हम रोजाना अदालतों में इस तरह के केसेस देखते हैं जिसमें मोहब्बत की शादियाँ की जाती हैं। मैंने बहुत शुरू में आपको ये एक बात बताई कि यहाँ पे हमारा कल्चर डिफरेंट है, सोशल सिस्टम डिफरेंट है, जबकि आपका लॉ डिफरेंट है। जी ठीक है। अब जो एक चीज़ यहाँ से आपको वाजे हो जाती है, और मैं खुद ये अदालतों में हम देखते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ के, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसे गलत लोग भी पाए जाते हैं और ऐसे वाकयात भी होते रहते हैं कि अगर लड़की की अपनी रजामंदी ना हो तो इस पाकिस्तान एक बहुत महफूज मुल्क है। हम कई लड़कियां देखते हैं कि आपने तो एक वाकया देखा है जो कराची से ये दुआ ज़हरा आई है, इससे छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो बड़े लंबे लंबे सफ़र तय करके आती हैं और बहुत दूर दराज के इलाकों से आती हैं, सिंध के अंदरून से भाग के आ जाती हैं। ये महफूज मुल्क है, यहाँ पे आज भी आप देखिए कैसी बातें करते हैं। एक खातून रात को निकलती है, एक फैमिली इमरजेंसी के तौर पर अपने बच्चों को अपने हमरा लेती है, वो मोटरवे पे जाती है और मोटरवे के ऊपर उसका रेप हो जाता है। आप कहते हैं कि ये मुल्क सेफ है? यहाँ पर एक लड़की अपने घर से पेपर देने के लिए जाती है तो उसको रास्ते में गाड़ी रोक कर उसका साबका मंगेतर या उसका कोई भी रिश्तेदार उसको अगवा करके ले जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी मुल्क के अंदर एक छोटी सी बच्ची अपने घर से बाहर कुरान पाक पढ़ने के लिए जाती है, ज़ैनब कसूर का वाकया वो सबके सामने है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप बताएं मुझे कितनी औरतें हैं जो रात को अकेले सफर करती हैं मोटरवे पे, एक दिन जाके देखिए
सिर्फ चेक कीजिए कितनी गाड़ियां, मैं आपको ये हाईलाइट करने की कोशिश, जैसे आपने कहा कि सेफ है, एक एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। आप कभी इसको अमेरिका या इंडिया से, अमेरिका इस टाइम डेवलप्ड कंट्री है ना, सुपर पावर है, वहां की रेशो पाकिस्तान के साथ इसको कंपेयर करके देख लीजिएगा। मैंने कहा एक्सेप्शन हो जाती है। आप ये देखिए मोटरवे पे कितनी औरतें जो है वो रात को सफर करती है, लेकिन वो मुल्क है जहाँ पे गाड़ी खराब हो तो बहुत सारे लोग सिर्फ भाई और बहन रिश्ता बना के मदद करने आ जाते हैं। कितनी लड़कियां जो रोजाना कुरान, लेकिन गोंदल साहब हमने, मैं आपको अपने बचपन की बात बता दूं, अगर हम घर से ज्यादा पैसे लेके अगर दुकान पर चीज लेने भी चले जाते थे ना, तो वो दुकानदार चीज नहीं देता था बल्कि घर पे काम पहुंचा देता था कि आपका बच्चा आज 5 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा पैसे घर से लेकर आया है, क्या वजह है, इतने पैसे कहाँ से आए। ये हमारा वो माशरा है जो प्यार इस तरह से जताता है कि अगर बच्चा घर से एक्स्ट्रा पैसे भी लेकर जाता है तो बजाय इसके कि उसको वो कोई चीज़ दे दी जाए, उसके माँ बाप से पूछा जाता है कि रेगुलर बेसिस पे तो आपका बच्चा इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं करता, आज ये कैसे हो गया है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वो बच्ची जो अपने आप को कभी 17 साल का बता रही है, कभी 18 साल का बता रही है, पेरेंट्स उसके उसको 16 साल का बता रहे हैं, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिना पैसों के वो कौन सा हातम ताई था या वो कौन सा अल्लाह का ऐसा फरिश्ता था कि जिसने बच्ची को देखा, और बजाय इसके कि अगर मैं होती तो मैं, अगर मेरी अपनी औलाद नहीं है लेकिन मैं किसी के बच्चे को अगर इस कंडीशन में देखती तो पहला सवाल ये पूछती कि बेटा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, और आप अपने पेरेंट्स के बगैर या अपने घर के बड़ों के बगैर आप इतना लंबा सफर तय करके लाहौर तक क्यों जा रही हैं। उस बात का मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जो आपको मीडिया पे बात बताई जाती है वो हकीकत होती नहीं, ठीक है। अब ये वल्लाह वालम 2000 अकेली आई है, ये उसने अपना खुद भी बयान दे दिया। देखिये वो बयानात और होते हैं, कोर्ट में बयान अपनी मर्जी से करवाए जाते हैं, ठीक है। जो मीडिया पे बयान दिया जाता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, उसमें कभी भी हकायक नहीं बताए जाते, ये आप भी बात जानती हैं और ये मैं भी जानता हूँ। इसका मतलब ये कि वो जो कोर्ट रूम में हो रहा है वो कुछ है, और जो मीडिया पे बताया जा रहा है वो कुछ बताया जा रहा है। देखे ना आप, अपने ऊपर कौन बंदा बात लाता है, अपने आप को तो हर कोई मासूम फरिश्ता साबित करने की कोशिश करता है ना। आप जेल में चले जाएं वहां पे आपको दहशत गर्दी के और कत्ल की वारदातों में और जिना के मुजरिम नजर आएंगे, आप उनसे पूछे वो कहेंगे जी हम बेकसूर हैं, हमें फंसा दिया तो गया। गोंदल साहब 51 दिन तक माँ बाप को इस तरह से मिस्ट्री में रखना और उनको परेशान रखना और फिर ना बताना, हमने बहुत सारे, आप जैसे कहा कि केसेस ऐसे होते हैं और आए दिन कोर्ट्स के अंदर इस तरह के केसेस देखने को नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों, लड़का और लड़की दोनों अपनी फैमिली को बर वक्त आगाह कर देते हैं कि हमने निकाह कर लिया है, अगर आप हमें कबूल कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम कोर्ट से अपनी जान की अमान के लिए जो है वो फुल तौर पर प्रोटेक्शन जो है वो कोर्ट से लेंगे। जैसे लड़की भी बता रही है, लड़का भी बता रहा है कि जी हम दोनों को ख़तरा था, तो जब आप इतना सब कुछ कर रहे थे और आप क्या उसी अदालत से अपनी जान की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन नहीं ले सकते थे? और 51 दिन तक अपने माँ बाप को, दोनों सूबों की पुलिस को इस तरह से एंगेज रखा उन्होंने। इसमें भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि जब इन्होंने निकाह किया तो उन्होंने निकाह नामे की ये कॉपी जो है वो दुआ जहरा के घर भेजी। अच्छा। जिसको दानिस्ता तौर पर छुपाया गया था। अच्छा। जो शो नहीं की गई ताकि हमारा, इन्होंने वो जो दुआ जहरा के एक पेरेंट्स का स्टांस था वो फिर वहीं पे खत्म हो जाना था कि इसको किडनैप किया गया, वो दानिस्ता तौर पे इस तरह रखी गई है। और ये देखिए वो कुछ चीज़ें चल पड़ती हैं, आमतौर पे आप ये जो केसेस देखते हैं इसमें यही होता है, लड़का लड़की भाग जाते हैं, पहले वो कोर्ट मैरिज करते हैं और कुछ दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं ताकि हम पकड़े ना जाएँ, क्योंकि पकड़ने का ये होता है कि हमारे हाँ पीछे जो लड़की वाले होते हैं उन्होंने अगवा का पर्चा करवा दिया होता है और वो फिर उठा के ले जाते हैं और वहीं पर 164 की स्टेटमेंट करवा के, बच्चे होते हैं या कोई भी होता है कोई डर के, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी मर्जी से जाती हैं, अपनी मर्जी से शादियां करती हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो वालदैन के प्रेशर में आके या मार में या किसी मोहब्बत में आके किसी भी तरह से वो बयान बदल देती हैं, वो कहती हैं हमें ज़बरदस्ती उठा के ले गए थे, हमारे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है, तो वो लड़का जो है वो फंस जाता है, उस पर जिना की भी FIR होती है, उस पर जिंदगी तबाह हो जाती है, सही। लड़की उसी तरह मासूम बन के निकल जाती है, तो इसके लिए बहुत सारी होती है जिसकी वजह से फिर लोग ये करते हैं कि चले कुछ दिन पक्की हो जाए, जरा साथ रह के पक्की हो जाए, वरना ये जो मेरे तक जो एक बात पहुंची वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बताया गया था जब इन्होंने निकाह किया तो उन्होंने निकाह नामे की कॉपी जो है वो मुतलका जो थाना है जो जहीर के घर को एरिया को जो मुतलका थाना लगता है उसको भी भेजी गई थी, और जो दुआ का घर के एड्रेस पे
निकाह नामे की कॉपी भेजी गई थी लेकिन वो दानिस्ता तौर पर छुपाई गई ताकि इससे वो जो स्टांस है वो कमजोर ना हो। अच्छा, आए दिन इस केस के अंदर एक नया रुख जो है वो देखने को मिल रहा है, और कभी ये केस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और कभी ये केस एकदम से हाइप क्रिएट कर जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से पहले बड़ी मुश्किलों के साथ, जाहिर सी बात है माँ बाप हैं, अगर हम साहिब औलाद नहीं हैं, जो लोग साहिब औलाद हैं वो अपनी औलाद की तकलीफ़ को, दर्द को समझते हैं, उन्होंने फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट की तरफ इस केस को रेफ़र करवाया। 51 दिन बाद जब एक बच्ची मिलती है और उसके फिर कुछ लंबे अरसे बाद जब वो बच्ची सिंध हाई कोर्ट तक पहुँचती है, माँ अदालत में बिलकती रह जाती है, बाप चिल्लाता रह जाता है, लेकिन बेटी से मुलाकात मुमकिन नहीं होती। अगर होती भी है तो 10 मिनट की मुलाकात होती है, और वो भी इस तरह की मुलाकात होती है कि जहाँ पर पुलिस भी मौजूद होती है। गोंदल साहब, आप वकील हैं, आप कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे और मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि इस तरह के केसेस में क्या बच्चे अपने वालदैन को नहीं मिल सकते? क्या वालदैन जो हैं, जो जिनके बारे में कुरान में ये हुक्म है कि अपने वालदैन के सामने उफ तक ना कहो, और तुम्हारे वालदैन का एहसान है कि जो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तुम्हारी तरबियत करते हैं, क्या वो वालदैन एकदम से पराए हो जाते हैं? क्या कानून जो है वो वाकई में बच्चों को आज़ाद कर देता है कि वो वालदैन जिन्होंने इतने अरसे तक पाल पोस कर बड़ा किया होता है, क्या वो अदालत में भी इतना ख़तरा होता है कि वालदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा होता? इसमें मैं दो एंगल से बात करूंगा। जी, पहला जो वालदैन वाली आपने बात की, तो ये मैं नहीं कहता, वालदैन की तकलीफ को मैं समझ भी सकता हूँ और दुआ भी है कि अल्लाह ताला किसी के वालदैन को ऐसी तकलीफ से ना गुजारे, आमीन, सबकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन वालदैन को भी जरा नजरसानी करनी चाहिए, एक तो अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। आजकल की आप माओं की रवायात देखें, हम रोजाना अदालतों में इस तरह के देखते हैं कि या तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं, खुद मोबाइल पे लगी हुई हैं, बच्चे की वो तरबियत ही नहीं है। मैं आज भी घर में जाता हूँ, मेरी माँ मुझे देख के कलमा पढ़ती है। आजकल की कौन सी माँ है जिस जो बच्चे को देख के कलमा पढ़ती है? वो कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है? तो देखिए, माएँ भी बहुत बदल गई हैं, वालिद के पास टाइम नहीं है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी तरजीहात हैं। लेकिन गोंदे साहब, माँ की तकलीफ तो माँ की है ना। जी जी, आपकी लॉ की बात करने लगा हूँ। देखिए, वो लड़की बालिग है, जो अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट आई है वो 16 से 17 साल के दरमियान है, और ये बात भी सामने आ रही है कि आज तक अब वो अगर बच्ची कहती है बायोलॉजिकल एज को मालूम करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है भी नहीं। एक ये पॉइंट भी मैं आपको दे दूं, बिल्कुल है, ये आप ना बात करें कि एज को मालूम करने की आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद है। ये जो डोप टेस्ट होती हैं, एज फैक्टर दुराना की बुनियाद पर एज जो है वो इसमें डिटरमाइन की जाती है, ये चीजें पाकिस्तान में मौजूद है और हो रही है, मेडिकली ये चीजें अब एक्सेसिबल है। सही। दूसरी मैं जो बात करने लगा था वो ये था कि वो एक सेंसिबल है, वो अच्छा बुरा समझ सकती है। यहाँ पे आपके यूएन का प्रेशर होता है, जो आपके ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भाग पड़ते हैं, आपकी जो मोमबत्ती माफिया है वो भाग पड़ती है, जो बच्ची के साथ जुलम हो रहा है। अब एक बच्ची अपनी मर्जी से नहीं मिलना चाह रही, तो यही अगर कोर्ट या आपका लॉ कर ये बात करता है, तो आपका यूएन के जो जितना प्रेशर आना था ह्यूमन राइट्स वालों का, क्योंकि आपने बच्ची की मर्जी के बगैर उसको कैसे कर दी है? अच्छा, लेट्स सपोज कोर्ट ने उसको 10 मिनट का टाइम दिया वालदैन को मिलने का, कि उसको आप मिल लो, समझ लो, उसने नो कर दी, अब उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो दूसरे हालात से जो आपको अच्छी तरह पता है, तो वो जो है माफिया, उसने चढ़ आना था मीडिया पे और ये हो जाना था कि देखें जी उसकी आज़ादी है, उसकी चॉइस है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, वुमेन राइट्स वालों ने आ जाना था, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स वालों, वो जो एनजीओ के करोड़ों लेके खाती हैं, उन्होंने आ जाना था, तो ये एक नया किस्म का टॉपिक शुरू हो जाना था। तो बात ये है कि वो पुलिस की मौजूदगी में नहीं हुई, पुलिस बाहर थी, अदालत के अंदर मुलाकात होती अच्छा, है। ऐसा ये केस उसकी होता मर्जी है। नहीं थी, तो उस पे आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ही केस निमरा काजमी का भी देखने को आया है, लेकिन निमरा काजमी जो है वो इस वक्त दारुल अमान में मौजूद है कराची के, जिसके वालदैन के पास उसकी कस्टडी को नहीं दिया गया। यही कुछ जो है इस तरह की कंडीशन जो है वो दुआ जहरा की वालदा ने भी कही है कि बेशक बच्ची अदालत उज़्मा हमारे पास ना छोड़ती, लेकिन वो जहीर के साथ भी ना जाने देती, वो उसको दारुल अमान में ही रख लेते या किसी ऐसे प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर देते, हम फिर भी सेटिस्फाई रहते। अब क्या कहेंगे आप इस सवाल? आप मुझे एक बात बताएं, आप कहती हैं जी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, अदालत या दुनिया का कोई पर्सन है जो आपको कहने जी आप वहाँ रहे? लेकिन जब इस तरह का केस होगा तो इसमें क्या होगा? इस तरह का केस कैसे होगा जी? जब एक बालक लड़की अपनी मर्जी से कह रही है मैं अपने खामत के साथ जाना चाहती हूँ, दुनिया की कोई ताकत उसको कैसे रोक सकती है? मुझे इस बात का जवाब दे। अच्छा, ये तो जस्ट
सॉरी टू से, बहुत से जो आजकल यूट्यूबर्स और इस तरह के चैनल्स आ गए हैं ना, इनका काम क्या होता है, सिर्फ अपनी वो रेटिंग बढ़ाना, अपने टीआरपी के चक्कर में, ये इस उस चक्कर में ना तो ये फजूल किस्म की ये मिथ्स कायम करते हैं, फजूल किस्म की ये कहानियां स्टोरीज बनाते हैं, ना फैक्ट्स का पता होता है। निमरा काजमी के केस के अपने फैक्ट्स हैं, इसके अपने फैक्ट्स हैं। दुआ को ना तो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, ना उसने कहा कि मैं दारुल अमान रहना चाहती हूँ, ना उसने कहा मैं वालदैन के साथ, उसने कहा मैं अपने कामत के साथ जाना चाहती हूँ। तो अदालत या दुनिया का कोई भी कानून या कोई भी इंसान उसको कैसे कह सकता था कि जबरदस्ती ऐसे जाओ? सही, निमरा काजमी को थ्रेट थे जिस वजह से उसने कहा कि मैं दारुल अमान में रहना चाहती हूं। दुआ ज़ाहरा के वालिद का जो लेटेस्ट इंटरव्यू मैंने देखा गोंदल साहब, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने एक लीगल जो है वो लॉयर टीम हायर की हुई थी, अब उन्होंने एक नई लीगल टीम जो है वो हायर की है, और मजीद ऐसे केसेस आप मेरे नाज़रीन को मुझे भी बता सकते हैं जो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या इस तरह के केसेस पाकिस्तान में कभी कोई देखने को आए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएं? और अगर इनके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस केस को लेकर जाते भी हैं तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी मदद हो सकती है या ये केस किस तरफ जाएगा? देखिए, जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की आप बात कर रही हैं, सेशन कोर्ट की अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है विद इन डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले की जो सेशन कोर्ट होती है उस जिले के अंदर अंदर सेशन कोर्ट की, हाँ अगर दुआ ज़ाहरा और ये ज़हीर दोनों एक ही ज़िला में होते, एक प्रोविंस के अंदर एक जिले के अंदर होते, तब ये जुरिस्डिक्शन थी सेशन कोर्ट की। सही, अदरवाइज ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। जब आप दो जिले इन्वॉल्व हो जाएं या जब इसमें दो सूबे इन्वॉल्व हो जाएं तो ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की होती है। ये दोनों हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन थी, पंजाब की भी थी और सिंध की भी थी। सही, ये किसी में भी आप जा सकते थे। यहाँ पे सेशन कोर्ट का तो मामले नहीं बनता। जो वो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो 491 के तहत जिसको आप हेबियस की रिट कहते हैं उसके तहत उन्होंने किया था कि हमारी बच्ची को एक बार बरामद किया जाए। बच्ची बरामद हो गई, वो आ गई, उसने कहा जी मुझे किसी ने अब से भेजा, मैं नहीं रखा हुआ, मतलब ज़बरदस्ती मुझे किसी ने नहीं रखा हुआ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पर। वो जो खातून हैं सुनेरा माहम जिन्होंने इंटरव्यू ये किया है, जब उनसे ये पूछा गया डेली पाकिस्तान से यासिर शामी ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आप हब से भिजवा का मतलब जानती हैं, तो उनका ये कहने का मतलब था कि अगर पंखा बंद करके किसी को कमरे में बिठा दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि वो हब से भिजवा में रखा गया है। नहीं, ये तो सीधा सीधा वो हब से भिजवा और चीज़ है। कानून की ज़ुबान में हब से भिजवा ये होता है, एबीएस कॉर्पस की रिट ये होती है कि इलीगली और अनलॉफुली जब आप किसी को डिटेन कर देते हैं, वो बेशक आप उसको किसी महल में कर दें, वो बेशक आप उसको 5-स्टार होटल में कर दें, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी तौर पे आपने उसको डिटेन कर दिया उस जगह पे, तो वो हब्से भेजा में आएगा। सही, ठीक है, वो इस तरह नहीं होगा पंखा नहीं था ये बिजली नहीं थी। सही, ये हबस जो है वो दूसरा हबस होता है। तो उसी की उन्होंने रेड की जिसपे दुआ ने कोर्ट में जाके कह दिया जी मुझे किसी ने जबरदस्ती रिटेन नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से अपने काम के साथ, वो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना, सुप्रीम कोर्ट पर क्या जाएंगे, बस वो वैसे ही अब उस चीज तस्लीम नहीं कर रहे। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे होता या कोई भी पेरेंट हो, अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाए तो उन्हें सबसे पहले तो चाहिए कि इसको तस्लीम कर जाएं, कोशिश करें अगर उन्होंने बेटी ने इससे बढ़ के एक स्टेप ले लिया है उनको समझाएं उसको अच्छे तरीके से मामला और सेटल करें। उनकी वालदा के बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, मुझे सिर्फ बात कंप्लीट कर लेने दें, और अगर वो ऐसा नहीं, अगर बहुत अच्छी है तो फिर उनको सेटल होने में दें, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर उसको उसकी हाल पे छोड़ दें जहाँ जाती है जाए। दुआ ज़ाहरा की जो वालदा से के स्टेटमेंट थोड़ी सी मैंने सुनी, मैंने सारा इंटरव्यू नहीं देखा, मुझे उसमें दो बड़ी माजरत के साथ दो बातें नजर आई हैं। एक ये कि उनकी मर्जी के खिलाफ उसने किया है, दूसरा ज़हीर का फिरका और है जो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है, ठीक है, और उसके अलावा उन्हें कोई कानूनी तौर पे या और लेकिन उनकी वालदा का तो ये भी कहना है कि अगर ज़हीर अभी चाहे तो वो जहाँ पूरे सोशल मीडिया पर लोगों को इंटरव्यू देता फिर रहा है, उसकी फैमिली ने अभी तक हमसे क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किया, और अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर बच्चे जब एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएंगे, हम इस क्योंकि निकाह तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, फिर बकायदा रुखसत उसके घर से की जाए। सर्टेन एज क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, वो 18 साल का है, ये 17 साल की है, अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की है, ठीक है, तो फिर ये क्यों कहती है उनकी फैमिली कॉन्टेक्ट करे, यही चले जाए दिल बड़ा करके, ठीक है जी हमारी बेटी ने कर ली। लेकिन गोंदल साहब मसला ये ना, आप घर का एड्रेस भी तो एक रखते हैं ना, एक लड़की या बच्ची जाना ही नहीं चाह रही वालदैन के पास, ज़हीर उसको कैसे छोड़ के आ सकते हैं? सही, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो केस है क्या ये हमारे कानून के अंदर कोई नई कोई तरमीम जो है उसको मुतारफ करवाएगा,
क्योंकि जितनी हाइप इस केस को मिल चुकी हुई है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये केस डिस्कस हो रहा है, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, कानूनी तौर के ऊपर इसकी पेचीदगियों को डिस्कस किया जा रहा है, और फिर इसी के साथ साथ जैसे आपने फिरकावारियत की बात की है तो मजहबी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस हवाले से बात की जा रही है। जैसे कि अलामा शहनशाह नकवी साहब ने भी कहा है कि वो बच्ची सामने आकर ये बयान दे दे कि अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो फिर तमाम बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई नई तरामीम मुतारफ करवाई जाएंगी, ये केस जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या चीज सेट करके जाएगा? ये केस मुझे तो रूटीन का केस लग रहा है, इस तरह के रोजाना केसेस होते हैं, सिर्फ ये है कि ये जरा मीडिया पे उठा लिया गया है। इसके अलावा इसमें मुझे तो कोई कानूनी पेचीदगी नजर नहीं आती। जिस तरह आप कह रही हैं, लामा साहब ने भी फरमा दिया, वो लड़की 164 की स्टेटमेंट यहाँ पे पंजाब में रिकॉर्ड करा चुकी है, स्टेट के पास रिकॉर्ड करा चुकी है, वो हाई कोर्ट में रिकॉर्ड करा चुकी है, वो सिंध हाई कोर्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुकी है, वो मीडिया पे आके पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बहुत नर्वस होती है, बच्चे की कॉन्फिडेंट नहीं है, यही बात मैंने यहाँ पे देखे। जब अब 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है ना, उसका जज साहब जो होते हैं, भैया मैं मजिस्ट्रेट के सामने बात कर रहा हूँ, हाईकोर्ट की बात, हाईकोर्ट का डिकोरम होता है, हाईकोर्ट में कैसे आप प्रेशराइज कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मजिस्ट्रेट के सामने भी जब आप बयान रिकॉर्ड करवाते हैं तो वो सब गैर मुतलका जो अफराद हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ वो मुतलका लड़की होती है या उनके लॉयर्स होते हैं, वो कहते हैं तुम आज़ाद हो, अपनी मर्जी से बयान रिकॉर्ड करवा रही हो। फिर वहां पे तसल्ली नहीं हुई तो फिर सिंध हाई कोर्ट में जाके हुआ, अपनी मर्जी से उसने एक स्टेटमेंट दी है, वालिदैन से मुलाकात के बाद स्टेटमेंट दी है, 10 मिनट की मुलाकात काफी होती है। सही, अच्छा गोंदल साहब, तो इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानूनी पेचीदगी है वो इसमें कोई नहीं है, वो बालिग है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, जो आपका लॉ कहता है, जो आपके यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, वो आप उसको कैसे, मुझे तो इसमें कोई, अच्छा हमने यहाँ पे एक और चीज भी नोट किया ना कि हमने देखा कि यहाँ पर एक गेम एक ऐसी आती है जिसके बाद लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट्स करना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको जैसे मालूम है कि जिस तरह सोशल मीडिया को मतलब एक फ्री हैंड दे दिया गया है, उसी के उतने नुकसानात भी हो रहे हैं। यहाँ पे लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, उनके वीडियोस भी बना लिए जाते हैं, उनकी नाजेबा तस्वीर भी बना ली जाती हैं, तो इस तरह के भी इश्यूज तो इन्वॉल्व हो सकते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि क्या पता दुआ ज़ाहरा की कुछ इस तरह की तस्वीर हों। ये मेरा सवाल नहीं है, ये उसकी वालदा का, और बहुत सारे सोशल मीडिया के सारफीन जो हैं इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस बच्ची के कुछ इस तरह की वीडियोज़ या उसकी नाजेबा तस्वीर जो हैं वो इनके पास मौजूद हों, कि जिसके मुताबिक वो बच्ची को गाइड कर रहे हैं कि बच्ची ने ये बयान देना है और बच्ची इस तरह से बयान देकर अपने आप को बचा सकती है। तो बिल्कुल ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब इस पर भी वही दो बातें, पहली बात ये है कि वालदैन ने इसको इतना मतलब ये गैप ज़्यादा था, ये क्या चक्कर था, अगर बच्ची इस तरह ब्लैकमेल हो रही थी तो बच्ची वालदैन के साथ शेयर क्यों नहीं कर सकी, ये बड़ा बुनियादी सा सवाल है जो एक गैप रखा होता है वालदैन ने। दूसरी बात यह है, ज़ाहरी तौर पर जो नज़र आ रहा है कि बच्ची 3 मुख्तलिफ किस्म की कोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट दे चुकी है, ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड पे आ जाती, पुलिस की कस्टडी में रही है, मतलब काफ़ी प्रेशर उस पर रहा है, ये बात नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि ये एक लेकिन अपेरेंटली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कोर्ट हाई कोर्ट होती है, जस्टिस आपसे बात पूछ रहे हैं आप, 10 मिनट वालदैन से मुलाकात के बाद ये बात आ रही है, कोई चीज होती तो वहाँ पे ये सामने आ जाती। चले मैं आप ही के काउंटर में आपके कोर अभी रिसेंटली एक मिसाल दे देती हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बात की जाए होस्ट, बात की जाए कॉमेडियन, बात की जाए इस्लामिक नॉलेज के हवाले से, रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, अब जो हमें मौजूद भी नहीं, अल्लाह ताला उनका घरी के रहमत करे, हम ये देखते हैं कि एक नाजेबा वीडियो वायरल होने के बाद इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो शख्स जो 3-3, 4-4 घंटों की ट्रांसमिशन में बैठकर लोगों की इसलाह किया करता था, उन्हें आगाही दिया करता था, अगर वो शख्स इस चीज़ का शिकार हो सकता है तो एक 17 साल की, 16 साल की या 18 साल की लड़की को मेंटली तौर पे ट्रैप करना क्या पॉसिबल नहीं है? देखिए वो जो वीडियो है उससे इससे कोई कनेक्शन नहीं बनता, वो एक केस और सिनेरियो लग गया। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि हो सकता है ये चीज़ हो, लेकिन अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 3 मुख्तलिफ फोरम्स रहे हैं और हाईएस्ट फोरम है, ठीक है, जिनकी मतलब अब हाई कोर्ट से बड़ा कौन सा फोरम है, लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, 2 हाईएस्ट फोरम्स पे उसको पेश किया गया है, उसको पर्सनली जज साहब ने मतलब पूछा है कि आप पे बेटे कोई प्रेशर,
तो जो लड़की कराची से यहाँ आ सकती है, मुझे नहीं लगता कि वो ये बात ना बता सकती, अगर उसको तो प्रेशर होता मुझे तो भी इंतजार रहेगा कि ऐसा मसीहा ड्राइवर कौन था। हाँ, एक बात, सॉरी मैं आपको, अगर मेरा पर्सनली आप व्यू लेती हैं तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। इसके बहुत सारे रीजन हैं, मैं इस तरह की शादी के ना हक में हूँ, मैं वालदैन की तकलीफ भी समझता हूँ, उसके अलग चीज है। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ लॉ के तहत, लॉ के अंदर रहते हुए। अच्छा गोंदल साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी काफ़ी बातें की जा रही हैं, मैं इसको वाइंड अप करूंगी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, और कुछ जगहों पे ये भी सवाल उठाया जा रहा है। अली हैदर जो कि सीनियर रैंकर पर्सन है, उनकी तरफ से भी एक नई वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर, और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ मुझे तो जहीर की इस तरह की कोई बात रूटीन की बात है, कोई इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ना कोई इस तरह की मुझे वो मिथ नज़र आ रही है कि वो ये, और बात है जो जिन्होंने कनाडा की लेनी होती है ना इस तरह की पॉलिटिकल असाइलम कनाडा यूके में, यहाँ पे मैं आपको हजारों लोग दिखा सकता हूँ जो मुसलमान से मर्जई होके वहां गए हैं, और बहुत सारे गोंदल साहब 295C के पर्चे करवाते हैं, ठीक है, फिर इस तरह के मतलब मेरे नाज़रीन को ये भी बता दें कि 259C जो है ये कौन सा एक्ट होता है। 295C मैंने कहा है तुहीन रिसालत जिसको आप कहते हैं, ब्लास्फेमी लॉज जो होते हैं, तो वो खुद यहाँ पे पर्चे करवा के खुद को मर्जी शो करके बाहर जाते हैं, कनाडा में जाके असाइलम लेते हैं, हमारी जान को खतरा है। पॉलिटिकल मतलब जहीर किस बात पे जाके असाइलम लेगा, मतलब ये चांसेस नहीं है कि वो लड़का किसी और मुल्क में जाके पनाह ले सकता है, नहीं उसको मुझे नजर नहीं आता ना। अगर आप इस FIR की बुनियाद पे वो ये काम करे तो उसमें उसका तो नहीं है प्लान सही, ये तो दुआ के वालदैन ने करवाया और उसको ये मौका दुआ के वालदैन ने दिया कि आप बाहर जा सकते हैं, कि उसकी जान को खतरा है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट में मैं आपसे आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगी, हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए, डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम किए, और हमने हर इस तरह के इशू को, सोशल इशू को हाईलाइट किया और नाज़रीन तक लाने की भी कोशिश की है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो हरकत हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, बच्चे और बच्चियों की जो एज पढ़ने की होती है, अपने आप को ग्रूम करने की होती है, इस सोसाइटी के अंदर अपना बेहतर किरदार अदा करने के लिए एक सही सिमत को पहचानने की जो एक एज होती है, उस एज में इस तरह की नाज़ेबा हरकत का होना ना तो ये स्पोर्टिव है, क्योंकि वो जैसे एक यूट्यूबर खातून जिनका मैंने जिक्र किया था, जैसे उन्होंने कहा कि जी आप पे तो फिल्म बननी चाहिए थी, आपने तो बकायदा कराची से लाहौर, बात काट रहा हूं, बिल्कुल 10 सेकंड के क्लिप देखे हैं, मुझे वो कहीं से भी इंटरव्यू नजर नहीं आया, मुझे वो बेसिकली जामेशरी की एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही थी, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं था एग्जैक्टली। और फिर जिस तरह से उनको हीरो और हीरोइन बना के पेश किया जा रहा था, कि जो बेड़ा गर्क हमारे ड्रामों ने भी कर दिया हुआ है कि इस तरह की स्टोरीज में लड़के और लड़की को एक अच्छा किरदार के तौर पर दिखाया जा रहा होता है, तो आप लास्ट में क्या रिमार्क्स देना चाहेंगे? देखिए हमें एज अ सोसाइटी खुद को रिविजिट करने की सख्त ज़रूरत है, अपने कल्चरल नॉर्म्स को, अपने सोशल वैल्यूज़ को, अपने जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, इन सब को आपको एज अ सोसाइटी, अपने लॉज को, अपने जो आपके दिगर जो सोशल या पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको आप रिविजिट या रिवैल्यू नहीं करेंगे तो ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। मसलन देखें आप बच्चों, अब फ्रांस बात करता हूँ, 2014 में फ्रांस ने बाकायदा एक लेजिस्लेशन की है कि अपने फैमिली इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए, और हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है वो डे बाय डे वीक हो रहा है। बिल्कुल, आपको अपने फैमिली इंस्टीट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, आपके को बाकायदा बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। एज अ सोसाइटी आपने हर चीज़ को देखना है, आपके मसाइल जो हैं वो हर लिहाज से हर तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इनको आपने किस तरह सम अप करना है, आपको अपने रिलीजियस जो आपने एक वैल्यूज़ या कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं उनको, मैं ये नहीं कह रहा नाउज़ बिल्ला के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मजीद में जो लॉ सेट है उन पर बात कर रहा हूँ मैं, वैसे एक जो जनरल एक बात है जो आपने बहुत सारी स्ट्रिक्ट चीज़ें रखी हुई हैं जो वक्त के साथ साथ जिसको आप तजदीद करना कहते हैं, मैं उसकी इज्तिहाद जिसको कहते हैं उसके और दीन में इसका जिक्र है, उसका जिक्र है, उसको करने की सख्त ज़रूरत है आपको। आपको ओवरऑल इससे हट के अपने मतलब बहुत सारे शहाना जो लाइफस्टाइल चल रहे हैं, जो आप अभी तक जो एक यहाँ पे अंग्रेज़ की वो काली औलाद जो यहाँ पे आप पे मुसल्लत है, इनके वो जो चीज़ें हैं उनको करने की ज़रूरत है। बच्चों को बकायदा टाइम दें, जो आपका कल्चर कहता था, आप देखें एक सिस्टम में आप रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चे कम करप्ट होंगे बनिस्बत जो सेपरेट सिस्टम है, उसकी वजह कि उन पर एक चेक रहता था, कभी इधर से चाचा आ गया, इधर से मामा आ गया, इधर से कुछ आ गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, अगर आपके जॉइंट सिस्टम में कुछ मसाइल थे तो उनको आप सेटल कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह बहुत सी ऐसे दीगर आपके मसाइल होते हैं, आपके ग्राउंड्स नहीं है, आपके पार्क्स नहीं है,
आपके बच्चों पे कोई फिजिकल एक्टिविटी का आपके यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, खत्म हो गया। स्कूलों में ग्राउंड्स नहीं है, बच्चा स्कूल से आता है, आते ही आप उसको मोबाइल पकड़ाते हैं, उस पर लग दे, उसके बाद खाना खाया सो जाए, शाम को ट्यूशन पढ़ी, उसके बाद घंटा तो फिर मोबाइल यूज किया या लैपटॉप यूज किया, उसके बाद सो गया। अब इस सारे सिनेरियो में उसकी फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? ऊपर से आपने उसको बर्गर खिला दी, जंक फूड खिला दी, हार्मोनल डाइट उसको देते हैं, तो कहाँ से आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरमगान कोंदे साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके साथ एक अगला सेशन भी होगा, लेकिन दुआ ज़ारा के केस के मुतल्लिक ही कहना चाहूँगी कि तमाम सोशल मीडिया सार्फिन से मैं गुजारिश करना चाहूँगी, खुदारा 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 कोई भी कमेंट करने से पहले या कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये दो ख़ानदानों की बात नहीं है, ये बल्कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे और बच्ची की ही बात है। ना तो आप इसको इस तरह से पेश करें कि वो लड़की ने बड़ा कोई कारनामा कर दिया और विक्ट्री के साइन बना बना के आप उस बच्ची की तस्वीर बनवा रहे हैं, ये गलत बात है। और साथ में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब इसमें पाकिस्तान का कानून इन्वॉल्व हो चुका हुआ है तो हमें कानून की तरफ देखना चाहिए कि कानून क्या कहता है। और इसी के साथ साथ जैसे गोंदल साहब ने खुद कह दिया कि हमें अपनी सिस्टम अपनी सोसाइटी को खुद ठीक करना होगा, एज ए इंफरादी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या हम अपने घर वालों को टाइम देते हैं, क्या हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, क्या हमने कभी अपने बच्चे के मोबाइल फ़ोन को चेक किया, क्या अपने बच्चे के टैब को कभी चेक किया कि हमारा बच्चा गेम कौन सी खेल रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो गौर तलब हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अगले वीडियो तक के लिए और अगले इशू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के वान, पाकिस्तान जिंदाबाद।